सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण आस्था और विश्वास है और इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने के सामने कल FIR करने की बात आई है और अभी यद्यपि FIR की कॉपी मेरे पास नहीं है लेकिन FIR हो ही गई होगी और उसमें मुझे कुछ गलत प्रतीत नहीं होता है। और जो जांच एजेंसी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस है उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है, मुझे किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। जांच एजेंसी जहाँ भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है और मुझे या मेरे समर्थकों को ये आदेश सर्वमान्य है और मुझे जांच एजेंसी पर भी पूरा भरोसा है और मुझे और मेरे समर्थकों को न्याय मिलेगा। क्योंकि लगातार कई महीने से गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, इससे हमें भी कष्ट होता है, हमारे परिवार को भी कष्ट होता है, हमारे समर्थकों को भी कष्ट होता है। लेकिन हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली पुलिस कर रही है वो करें और शीघ्र ही मेरा एक शब्द है कि शीघ्र ही जल्द से जल्द ये जांच पूरी करके जो भी कार्रवाई बनती हो उसे करना चाहिए। पॉस्को जैसे गंभीर आरोप की चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है, देश के अंदर जो न्याय देने की प्रक्रिया है उस पर भरोसा है, अलग से मुझे कुछ नहीं कहना है। फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर सांसद जी आपसे लोग बोल रहे हैं कि अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो एक सही जांच हो जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है और इन लोगों की डिमांड लगातार बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया, मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, जब तक नई बॉडी नहीं बन जाती है और अभी सरकार ने IO की एक कमेटी गठित की है, 3 लोगों की कमेटी गठित की है जिसमें एक कोई हाई कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, उनकी देखरेख में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न होना है, चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है लेकिन अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। और इनकी डिमांड लगातार बदल रही है, अगर इनके बयान को आप सुनेंगे तो लगातार ये देखेंगे कि ये हर रोज एक नया मुद्दा लेकर के आ जाते हैं। इन्हीं के कहने पर जांच कमेटी बनी, इन्हीं के कहने पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको जांच कमेटी में शामिल नहीं होना चाहिए था, उसको भी सरकार ने शामिल किया। मुझे आपत्ति करनी चाहिए थी, मैंने कोई आपत्ति नहीं की। जांच कमेटी की रिपोर्ट लगातार इनके पास पहुंच रही थी, कौन कौन खिलाड़ी क्या क्या बोला लगातार डे बाई डे इनके पास पहुंच रही थी। इनको जब आभास हो गया कि जांच कमेटी में कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं तो इन्होंने कमेटी के सार्वजनिक होने का इंतजार भी नहीं किया और ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और एक कोई नया मामला लेकर के भी गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट
में नया मामला लेकर के गए हैं और इन्होंने जिन बच्चों को पहले पेश किया है, कोई नाबालिग मैं नहीं जानता, एक ऐसा हवा में निकल करके आ रहा है कि उसमें से कोई नाबालिग है, तो मेरा सवाल यह है कि उसको जांच कमेटी के सामने क्यों नहीं पेश किया गया। और मैंने एक ऑडियो दिया है जिसमें एक खिलाड़ी धरने पर बैठा हुआ एक खिलाड़ी किसी लड़की से कह रहा है कि किसी भी लड़की का इंतजाम कर दो, किसी भी तरीके से इंतजाम कर दो। मतलब ये चार चार महीना मेरे खिलाफ लोगों को उकसाएंगे, भड़काएंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे और फिर तीन महीने बाद एक ले जा करके फिर किसी न किसी को पेश कर देंगे। चलिए, मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है, ये काम जांच एजेंसी का है, वो जांच एजेंसी अब काम करेगी। लेकिन हमने तो लगातार सरकार के फैसले का सम्मान किया और ये लगातार इसका उल्लंघन कर रहे हैं, रोज रोज ये नई डिमांड लेकर के आ जा रहे हैं। अब जांच एजेंसी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने का इनको इंतजार करना चाहिए। फिर ये धरने पर बैठ गए, अब धरने पर बैठ गए, पहले इनकी मांग थी FIR की जाए, चलिए भाई इनकी मांग स्वीकार हो गई, अब FIR हो गई, अब इनको चाहिए, अब कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए, सारे पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो मेरे पास, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, ये पद मुझे दिनेश फोकाट की कृपा से नहीं मिला है, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे दे रखा है, और एक बार नहीं छः छः बार दे रखा है, छः छः बार मुझको दिया, मेरी पत्नी को दिया, और उनको वह उनकी कृपा पर नहीं है, और कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद भी उनकी कृपा पर नहीं है। मैं चुनाव लड़ करके जीता हूँ और आपके माध्यम से आप सवाल पूछेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ, एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों, हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं, हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ, वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है? केवल एक ही अखाड़ा और एक ही फैमिली, एक अखाड़ा एक फैमिली, बाकी हरियाणा का 90% खिलाड़ी और 90% गार्जियन बृजभूषण सिंह के साथ है। क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने खेल को जहां तक सेवा दे सकता है ईमानदारी से सेवा दिया है, और इसीलिए आज देश का एक, जबकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि कोई निकल करके आ जाए। लेकिन एक सवाल मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि 12 साल से इनके साथ ही हो रहा है, एक अखाड़ा एक फैमिली, और इस 12 साल में भी एक बार भी ये शिकायत लेकर के ना तो खेल मंत्रालय में गए हैं, ना किसी पुलिस स्टेशन पर गए हैं, ना कभी फेडरेशन में आए हैं। और यही खिलाड़ी आंदोलन के 15 दिन तक पहले इनकी वीडियो सुन लिया जाए, इनका ऑडियो सुन लिया जाए, और ये जो है हमारी तारीफ करते थे। ये जो खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं, ये अपने शादी में मुझे क्यों बुलाते थे, फिर जोड़े में हो करके मेरा फोटो क्यों लेते थे, मेरा आशीर्वाद क्यों लेते थे? लेकिन मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ, मेरी एक बोलने की मर्यादा है, उस मर्यादा के तहत मैं बोल रहा हूँ। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, दिल्ली पुलिस के पाले में है, जो भी निर्णय करेगी हम मुझे उसी साजिश के पीछे, कौन लोग, के पीछे कौन लोग हैं सांसद जी, साजिश के पीछे कौन लोग हैं? आखिर आपको इसके पीछे क्या दिखता है, कौन है वो एक फैमिली एक अखाड़ा और इसके पीछे कौन लोग का नाम? देखिए मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इसमें एक उद्योगपति का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है, मैं शुरू से इस बात को बोल रहा हूँ। एक उद्योगपति, मैंने नाम नहीं बोला है कौन सा उद्योगपति, देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है जिनको मुझसे कष्ट है, और कांग्रेस का हाथ है, सुन बोला सा, और आज दिखाई पड़ गया कि किसका हाथ है। जब इनकी मांग मान ली गई, FIR दर्ज की गई, जांच तरीके से कहिए कि कार्रवाई शुरू हो गई, तब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अब क्यों मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्यों खेल मंत्रालय के खिलाफ बोल रहे हैं? अब क्या जरूरत है पप्पू यादव को बुलाने की? क्या जरूरत है केजरीवाल को बुलाने की? क्या जरूरत है? वो कोई रिटायर
गवर्नर है, क्या नाम उसका, सतपाल मलिक को बुलाने की क्या जरूरत है? प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम नहीं है। जिस दिन प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम होगा कि दीपेंदर हुड्डा ने कहां ला करके मुझे फंसा दिया, उस दिन उनको मालूम पड़ेगा, ये जांच की रिपोर्ट आएगी तब उनको मालूम पड़ेगा गलत जगह पर फंस गए। आज जो कांग्रेस की दुर्गति हो रही है ना, इसीलिए हो रही है। कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे, कभी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे, कभी कोरोना पर सवाल उठाएंगे। अब पूरा मामला पता नहीं क्या जंतर मंतर पहुंच गए, जांच का इंतजार कर लेते, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार कर लेते तब जंतर मंतर पहुंचते। ये राजनीतिकरण शुरू से, मैं तो फर्स्ट डे से कह रहा हूँ कि ये खिलाड़ियों का धरना नहीं है, ये कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें मुझे मोहरा बना रहे हैं। निशाना जरूर आपके ऊपर है, लेकिन लक्ष्य दूसरा है कोई नहीं। निशाना हमारे ऊपर है, हम बहाना है, निशाना और है, और निशाना आ रहा है। आज देख लिए, जैसे जांच कमेटी पर आपने कैसे सवाल खड़ा कर दिया, आपके कहने पर एक ऐसे व्यक्ति को कमेटी में शामिल किया गया जिसको नियमतः नहीं शामिल किया जा सकता था, क्योंकि उसी ने धरने की परमिशन ली थी और उसके बावजूद भी उसको कमेटी में शामिल किया गया। आपको लगता है सरकार झुकती चली गई है इन लोगों के साथ, यही वजह है कि मांग झुकती चली गई? अब देखिए, मैं सब चीजों पर नहीं बोल सकता, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और पुलिस के निगरानी में है, मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता। सांसद जी, आप बात का दबाव कह दीजिए कि आपने जो ऑडियो थी वो ऑडियो किसको दी है, वो जो खिलाड़ी की ऑडियो? जांच कमेटी को। कौन खिलाड़ी था ये कोई जरूरी है भाई? जांच कमेटी को दे रखी है, वो लड़कियों से बात करता है कि भाई देखो कोई लड़की बात कर लो, कोई लड़की किसी भी तरीके से कोई लड़की ले आओ, और ले आए, क्योंकि जो आईओ के सामने जो बच्चे पेश हुए हैं या जो बच्चे ओवरसाइट कमेटी के सामने पेश हुए हैं उसमें वो बच्चा नहीं था, यद्यपि मुझे उस बच्चे का नाम पता भी नहीं मालूम है, लेकिन वो बच्चा नहीं था। सांसद जी, जैसे कि 16 से 18 इधर खेल हुआ, तो क्या इस खेल को जो पहली बार रोका गया था और दोबारा हो गया, इसके बाद ये टाइमिंग क्या, कैसे देखा जाए कि ये धरना शुरू हो गया? अब देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये कहते हैं कि मुझे कुश्ती को बचाना है, इसलिए हम इस धरने पर बैठे हैं। हमारे देश को एशिया चैंपियनशिप जूनियर अलाट थी, आपने पत्र लिख लिख करके उसको कैंसिल करवा दिया, ये इन्होंने कुश्ती को बचाया। दूसरा, ओपन नेशनल टूर्नामेंट हो रहा था, उसको इन्होंने रद्द करवाया, एक काम ये उन्होंने कुश्ती को करके बचाया। महिलाओं का कैंप चल रहा था, बच्चियां आ चुकी थी, उनको कैंप छोड़ करके भागना पड़ा और वो आज तक कैंप नहीं लग पाया, ये इन्होंने कुश्ती को बचाया। और जब ओवरसाइट कमेटी बनी थी तो उसमें 3 सप्ताह का समय दिया गया था, 3 सप्ताह के बजाय मैंने 3 महीने तक वेट किया, और जब ओवरसाइट कमेटी समाप्त हो गई, उसने अपना कार्यकाल समाप्त किया, क्योंकि हमारी फेडरेशन को भंग नहीं किया गया था, हमारी फेडरेशन को भंग नहीं किया गया था। जब ओवरसाइट कमेटी ने अपने आप को ये हो गया कि अब ओवरसाइट कमेटी नहीं है, तो चूंकि देश में जैसे इस समय एशिया चैंपियनशिप होना है, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप होना है, हमारे यहाँ खेल रुका हुआ है, कोई नेशनल नहीं हो रहा है, कोई ओपन नेशनल नहीं हो रहा है, तो जब नेशनल नहीं होगा, अब जैसे कैडेट है, अगर कैडेट का नेशनल नहीं होगा, अंडर 15 का नेशनल नहीं होगा, तो एशिया जाने के लिए टीम कैसे बनेगी? एक प्रक्रिया है ये कि पहले हमको कराना पड़ेगा, हमारी फेडरेशन भंग नहीं थी, हमने जो है इस खेल को करवाया। अब ये खेल को करवाया तो हमने भाई हरियाणा के खिलाड़ी लड़े, बहुत बड़ी संख्या में लड़े, बच्चे मेडल लेकर के गए, मैंने कोई मेडल सेरेमनी नहीं की, मैंने कोई मेडल सेरेमनी नहीं की, मैं कभी अखाड़े पर नहीं गया, मैं जो है बैठ करके अपनी कुश्ती को देखता रहा, कुश्ती देखने का अधिकार मुझको भी है। हरियाणा की कई बच्चियां मेरे पास आईं कि सर मुझे फ़ोटो लेना है, हमने कहा बेटा आज फ़ोटो खिंचाओगे और कल इसी फ़ोटो पर मुकदमा लिखाओगे, उन्होंने कहा नहीं सर मुझे तो लेना ही लेना है, फिर उनकी माँ निकल करके आ गई, सर मुझे लेना ही लेना है, फ़ोटो ले गई, और उसके बावजूद भी मैं मेडल सेरेमनी नहीं किया। लेकिन ये कहते हैं कि मुझे खेल को बचाना है, तो खेल को बचाना है तो नेशनल को बंद कर देना है, ओपन नेशनल को बंद कर देना है, ये खेल को बचा नहीं रहे हैं, और ये आने वाले समय में पता चलेगा कि इस 4 महीने के अंदर इन्होंने खेल का कितना बड़ा नुकसान कर दिया है।
सांसद जी, इंटरनेशनल के खिलाड़ी नेशनल में भाग लेना नहीं चाहते थे, आप चाहते थे कि जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी है, दूसरे राज्यों के खिलाड़ी है, वो भी भाग लें ताकि एक्चुअल जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो आगे निकाल सके। क्या एक ये भी बड़ा कारण है जिसकी वजह से वो लोग जो उसमें धरने में बैठे हुए हैं आपके खिलाफ बैठे हुए हैं? देखिए, एक समय ऐसा था कि टीम कहीं की हो, खिलाड़ी हरियाणा के रहते थे, मैंने उस पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन मैंने प्रतिबंध लगाया कि हरियाणा का खिलाड़ी अपने ही राज्य से खेलेगा। अब यहां पर यह सवाल उठा, जब ये मैंने प्रतिबंध लगा दिया कि हरियाणा का खिलाड़ी अपने ही राज्य से खेलेगा, तो हरियाणा में गेम बहुत ऊपर है। हरियाणा में 10वें नंबर का जो बच्चा होगा, 12वें नंबर का बच्चा होगा, वो भी कई राज्य ऐसे हैं उनसे अच्छा है। तो अगर हरियाणा को टोटल हम ब्रेक कर देंगे कि एक खिलाड़ी हिमाचल से ही खेलेगा, एक आसाम से खेलेगा, एक ही हरियाणा से खेलेगा, तो इससे हरियाणा का यानी कि खेल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसकी मैंने एक व्यवस्था दी, उसकी व्यवस्था दी कि एक नेशनल होगा जिसमें अपने अपने राज्य से एक खिलाड़ी खेलेगा, जो अपने राज्य का गोल्ड जिसके पास होगा एक खेलेगा, लेकिन खेल का नुकसान ना हो इसलिए मैंने एक ओपन नेशनल की व्यवस्था की कि नेशनल होने के साथ ही हम एक ओपन नेशनल कराएंगे जिसमें कहीं किसी भी प्रांत का कोई खिलाड़ी भाग ले सकता है। और उस पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अब तक जितने भी ओपन नेशनल हमने कराए हैं उसमें 61% से लेकर के 63% मेडल केवल हरियाणा को गए। ये इसलिए किया गया कि जिससे खेल का नुकसान ना हो। अगर हम एक ही खिलाड़ी खिलाएंगे और हरियाणा का खिलाड़ी भी जब अन्य राज्यों से खेलता था तो पैसा देकर के खेलता था, चोरी से खेलता था, गलत सर्टिफिकेट बना करके खेलता था, रहता था हरियाणा का, कहता था मैं झारखंड का हूँ, मैं उत्तराखंड का हूँ, वो सब व्यवस्था मैंने समाप्त किया। और खेल का नुकसान ना हो इसलिए मैंने एक ओपन नेशनल जिसमें कोई भी लड़ सकता है उसकी व्यवस्था दी, जिससे हमारा खेल कायम है। अब सवाल ये उठता है कि एक पहले हमारे देश में ओलंपिक के लिए यदा कदा कोई जो है मतलब क्या कहते हैं कोटा लेकर के आता था, तो उस समय हमारे यहाँ नियम था कि जो खिलाड़ी अपना कोटा लेकर के आएगा वही खेलने के लिए जाएगा। आपको याद होगा कि नरसिंह यादव वर्ल्ड चैंपियनशिप में के माध्यम से ओलंपिक में क्वालिफाई किए थे, और सुशील कुमार जो डबल दो मेडल जिनको लगातार थे, उन्होंने मांग की थी कि इनका ट्रायल कराया जाए। लेकिन उस समय हमारा जो नियम था कि जो क्वालिफाई करके आया है वही जाएगा, तो इसलिए नाते एक बहुत बड़ा विवाद हुआ और अंतोगत्वा सुशील कुमार और नरसिंह यादव का ट्रायल नहीं हो पाया। इस बार के ओलंपिक में मैंने महसूस किया कि इस व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि कई देश में ये व्यवस्था चल रही है। क्योंकि मान लीजिए कोई रेसलर है जिसने क्वालिफाई किया और वो उसको हल्की फुल्की चोट आ गई या उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, तब भी वो नहीं बताता है कि हमारी तबीयत खराब है, तब भी वो नहीं बताता है कि हमको चोट है, क्योंकि मेडल नहीं आएगा तो ओलंपियन कहे जाएंगे। और कई देशों का अध्ययन करने के बाद और इन खिलाड़ियों से भी बात करने के बाद और कोचों से बात करने के बाद एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी ने ये फैसला किया कि अब ओलंपिक में कोई भी अगर क्वालिफाई करके आता है तो हम सीधे उसको, क्योंकि वो कोटा खिलाड़ी का नहीं होता है, कोटा देश का होता है, वो कोटा देश के नाम होता है कि भारत का कोटा है। तो हमने एक व्यवस्था दी, हमने क्या मतलब सारी कमेटी ने मिलकर के एक व्यवस्था दी कि इनको ट्रायल देना पड़ेगा। अब ट्रायल कैसे होगा, तो ट्रायल ये होगा कि पहले जो कैंप के खिलाड़ी हैं उनका आपस में ट्रायल होगा, और जो उस समय फर्स्ट आएगा 4-6 दिन के बाद हफ्ता व्यवस्था दी जाएगी, एक हफ्ता के बाद जो देश में फर्स्ट आता है और जो क्वालिफाई करके आया उसके बीच में इनका एक मुकाबला होगा। अगर जो क्वालिफाई करके आए हैं अगर ये उस बच्चे को हरा देते हैं तो इनका कोटा कन्फर्म हो जाएगा। बाई चांस ये कुश्ती हार जाते हैं तो चूंकि ये क्वालिफाई करके आए हैं तो 15-20 दिन के बाद इनको एक मौका और मिलेगा उस बच्चे को हराने को। अगर कोई नया बच्चा आता है तो पहले उसको देश के बच्चों को हराना होगा, फिर इनको दो बार हराना होगा, अगर दो बार इनको हरा लेगा तो उसको वो जाएगा।
इसका भी इन लोगों को विरोध है। और मेरा मानना है कि ये पॉलिसी हम सही लेकर के आए, दुनिया के कई देशों का अध्ययन करके लाए। एक समय था जब भारत को यदा कदा कोटा मिलता था, आज इन खिलाड़ियों का भी मेहनत है, उनके गार्जियन का मेहनत है, उनका कोच का मेहनत है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत फेडरेशन का भी है, थोड़ी सी मेहनत फेडरेशन का भी है कि आज दुनिया के जो टॉप 5 टीमें हैं उसमें से लड़कियों की टीम भारत की एक है। अभी तो अभी डाउन हुई है, थोड़ा 3-4 महीने का असर पड़ा है, मतलब जहां हमको कोई संज्ञान में नहीं लेता था वहां हम टॉप 5 में पहुंचे हैं, और कई टूर्नामेंटों में, वर्ल्ड के टूर्नामेंटों में भारत की चैंपियनशिप बनी है, दूसरे तीसरे स्थान पर है। तो उस पॉलिसी को लेकर के भी उनको दिक्कत है। इनका कहना है कि मैं ओलंपियन हूँ तो मैं सबके साथ ट्रायल नहीं करूँगा, सबको लड़ा दो और सबको थका दो, बाद में उसी दिन मेरी एक कुश्ती उससे करा दो, बाद में उसी दिन मेरी एक कुश्ती इनसे करा दो जिससे मैं जीत करके चला जाऊँ। मैंने कहा नहीं, अब आपको कैंप में रहना है तो नेशनल लड़ना पड़ेगा, अगर नेशनल नहीं लड़ पाए तो ओपन नेशनल लड़ना पड़ेगा, ओपन नेशनल नहीं लड़ पाए तो आप मेडिकल दिखाइए कि आप क्यों नहीं लड़ पाएंगे, नहीं तो आपको कैंप में नहीं रखा जाएगा, और जब भी ट्रायल होगा तो आपको बाकी बच्चे जैसे कुश्ती करते हैं वैसे आपको जीत करके जाना पड़ेगा, आपको कोई अलग से वरीयता नहीं दी जाएगी। इस बात से लोग नाराज थे। नेताजी वो बिजनेसमैन कौन है जो आप उद्योगपति का जिक्र कर रहे हैं? चंचल जी बोल रहे हैं सर। आपको आप दबाव में महसूस कर रहे हैं जिस तरीके का आरोप लगा हुआ है? नहीं, मैं बिल्कुल दबाव में नहीं। क्या आपको लग रहा है मेरे चेहरे पर कोई शिकन दिखाई पड़ रही है? क्या मेरे चेहरे पर कोई शिकन दिखाई पड़ रही है? मुझे उच्च न्यायालय पर और जांच एजेंसी पर पूरा भरोसा है, और मुझे लोगों को नहीं पता है लेकिन मुझे पता है अपने बारे में, मुझे पता है और पूरे देश को पता चलेगा, ये गारंटी देता हूँ। मुझे अपने बारे में पता है और पूरे देश को जब जांच की रिपोर्ट आएगी पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। ये राजनीतिक लड़ाई है, इसमें षड्यंत्र है, कई उद्योगपति शामिल हो गए, एक नहीं कई उद्योगपति शामिल हैं। सांसद जी, जैसा कि आपने कहा कि खिलाड़ियों को पहले फेडरेशन पर विश्वास नहीं था, फिर एक कमेटी बैठी उसमें अभी जांच चाह रही है, उसमें कुछ क्लीन चिट मिलने की बात वो कह रहे हैं, इसमें उनको भरोसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, दिल्ली पुलिस है, तो क्या इनको आगे दिल्ली पुलिस और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रहेगा? दिल्ली पुलिस पर तो कह दिया इन्होंने कि दिल्ली पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं है, इन्होंने तो कह दिया कि दिल्ली पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं है। इनके बयान आने शुरू हो गए कि दिल्ली पुलिस पर इनको भरोसा नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं, जब आपकी हर डिमांड पूरी हो रही है, डिमांड पर डिमांड आपकी पूरी हो रही है, तो किस बात के लिए किस बात पर जंतर मंतर पर बैठे हैं? कुल मिला के वो हरियाणा पुलिस पर वैसे भरोसा करेंगे क्या? उनको पुलिस पर भरोसा नहीं है। जांच रिपोर्ट आई नहीं पाई थी, उसके बगैर वो लोग धरने पे आ गए। लेकिन उनके पास जांच रिपोर्ट थी, क्योंकि उनका नुमाइंदा, उनके द्वारा नुमाइंदा, उनका नुमाइंदा उस जांच कमेटी में था जो डे बाय डे रिपोर्ट देता था, डे बाय डे रिपोर्ट देता था। तो इसका मतलब जांच कमेटी की रिपोर्ट लीक है और उनके पास जानकारी है कि उनके हक में नहीं है शायद। वो तो खुद कह रहे हैं, और उसी जांच की रिपोर्ट को ही तो इन्होंने चैलेंज किया है। इस बार जो मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मेरे ऊपर आरोप कम है, जांच कमेटी के ऊपर आरोप ज्यादा है। खिलाड़ियों का कहना है कि जांच कमेटी को हमने बयान दिया और हमारा बयान ही मेंशन नहीं किया गया। अब इस पर मैं क्या बोलूं, उस पर तो जो उनका नुमाइंदा था वो बता सकता है, जो उनका नुमाइंदा था उस कमेटी के अंदर वो बता सकता है, कमेटी के अंदर तो मैं हम थे नहीं। नेता, इन परिस्थितियों में कविता आपकी जो वायरल हुई है उसका क्या कहना है? कविता जो आपकी वायरल, मेरी कविता जो, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। मेरी कविता जो थी उसमें कविता यही थी कि जिस दिन जीवन के हान लाभ पर उतरूंगा, मतलब जिस दिन मैं अपने जीवन के हान लाभ क्या खोया पाया समीक्षा करूंगा, और जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन मुझको लगेगा कि अब मेरे संघर्ष करने की क्षमता समाप्त हो गई है, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन मैं लाचार बन जाऊंगा, बेबस बन जाऊंगा, बेचारा बन जाऊंगा, तो मैं चाहूंगा कि ऐसी जिंदगी मैं ना जीऊं। तो ये इस वक्त कहने का क्या हो सकता है? हमारा मन, हम कविता पर भी रोक देंगे यार हमारा मन
ऐसा कोई इशू नहीं आया कि सरकार से, कोई ऐसा इशू नहीं आया कि सरकार से संपर्क किया जाए। बबीता फोगाट ने कहा है कि जो बयान लिया गया उसमें जबरदस्ती मेरे सिग्नेचर कराए गए हैं, एक पदाधिकारी ने मुझसे रिपोर्ट छीन ली है, मीडिया में बयान दिया उन्होंने। खेल मंत्री का बयान आ चुका है, इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। और बबीता फोगाट कौन है आप जानते हैं? आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष 12 साल रहे, आपके नेतृत्व में कुश्ती संघ ने तमाम देश विदेश में मेडल जीते, लेकिन आपने जब पतंजलि के उत्पादों का विरोध करना शुरू किया उसी समय आप पर आरोप प्रत्यारोप इस तरह के लगने। भाई देखिए, मेरा पतंजलि से कोई व्यक्तिगत नहीं है, मैं देखो मेरा, आप देखिए एक क्रम, एक बातचीत के क्रम में निकला था, और आज आप देखिए नकली खाद्य पदार्थों से भरा पड़ा है, बाजार पटी पड़ी है, और उसमें श्रीमान जी का नाम आता है तो मैं क्या करूँ? नहीं, आप पर आरोप भी तभी लगना शुरू हुआ क्योंकि जब तक 12 साल आपके नेतृत्व में कुश्ती संघ ने मेडल जीते तब आपका नाम इतना हाईलाइट नहीं हुआ था, लेकिन जब आपने पतंजलि के उत्पादों का विरोध करना शुरू किया तभी आप पर ऐसे आरोप प्रत्यारोप क्यों लगे? 50,000 करोड़ के आदमी है, जिंदा रहने दो यार, अभी तो आरोप लगा रहे हैं, पता नहीं कल को क्या करवा दें। सांसद ने वहाँ पर एक आपके आपराधिक रिकॉर्ड की वहाँ पर एक सूची लगा रखी है, कहना है जब तक आप पद पर रहेंगे तो जांच संभव नहीं। आप देखिए उस सूची से आप अवगत हैं, मैं जेपी आंदोलन में कई बार जेल गया हूं, जब इंदिरा जी ने इस देश पर इमरजेंसी लगाई थी तब मैं गया हूं, आपको पता होगा जहां आप बैठे हैं इस समय, मेरा बगल में घर है जो आज का मंदिर है उस समय का घर होता है, मेरे गाँव वाले मौजूद है, जाकर के पूछ लीजिए, मेरा ही घर गिराया गया था और मैं अपने ही घर के गिराने में मुलजिम बना था, वो भी मुकदमा है, उसमें 395 भी है, 397 भी है, 307 भी है, मैं देश का पहला आदमी हूँ, अपना ही घर गिराया गया और अपना खुद मुलजिम बने, और हम मुलजिम बने थे, पिताजी मुलजिम बने थे, चाचा मुलजिम बने थे, पूरा परिवार जेल गया था। और आज आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि जरा उस जगह को जाकर के देख लीजिए और गाँव वाले से पूछ लीजिए, पहला मुकदमा वही है, फिर राम जेपी आंदोलन, फिर राम जन्मभूमि आंदोलन, फिर जो है स्कूल कॉलेज के अंदर कुछ मुकदमे लगे, तो लेकिन एक भी मुकदमे में मुझे 1 घंटे की सजा नहीं है। आपको लगता है पार्टी आपके साथ इस मुद्दे पर खड़ी है और उत्तर प्रदेश की दूसरी और अन्य पार्टियां भी हैं, क्या आपको लगता है सब आपके साथ इस वक्त? देखिए उत्तर प्रदेश की जो अन्य पार्टियां हैं जैसे विशेष करके समाजवादी पार्टी, जहाँ आपका इशारा है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, वो मुझे बचपन से जानते हैं और ज़्यादातर जो पहलवान हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि एक ऐसे समाज से आते हैं जो समाजवादी विचारधारा से ज़्यादा ताल्लुक रखते हैं, आप कह सकते हो कि अगर देखा जाए तो पहलवानों में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 10,000 बच्चे पहलवानी करते हैं तो 8,000 ऐसे बच्चे हैं जो समाजवादी परिवार से हैं और उनको सबको पता है कि हमारे नेताजी कैसे हैं, समाजवादी पार्टी के हर नेता को पता है कैसे हैं, उत्तर प्रदेश के हर नेता को पता है, कांग्रेस के भी नेताओं को पता है कि नेताजी कैसे हैं, सबको पता है, सब एक दूसरे को जानते हैं, देवरिया से लेकर के श्री लखीमपुर से, और सब जानते हैं एक दूसरे को कि कौन क्या है, और मैं धन्यवाद करूंगा उनका, सबका, अखिलेश जी का धन्यवाद करूंगा, क्यों नहीं धन्यवाद करूंगा, जब प्रियंका गांधी बिना सोचे समझे बैठ करके आरोप लगा रही है, और कांग्रेस के भी जो लोकल नेता हैं वो भी मुझे जानते हैं, वो नहीं करेंगे, ये गुमराह किया गया, प्रियंका गांधी को गुमराह किया गया। आपकी पार्टी खड़ी है सर? देखिए पार्टी का क्या है, पार्टी का इसमें कहाँ रोल आता है, इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं। देखिए ये जुल्म, ये अपराध मेरे ऊपर लगा है, सामना मुझे करना है, ये इस आरोप से छींटे मेरे ऊपर पड़े हैं, इसमें मुझे निकलना है, ये छींटे साफ करना मेरा काम है, मुझे साफ अपना छींटा स्वयं साफ करना चाहिए, इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है। पार्टी अगर मैं दिल्ली पुलिस मुझे अपराधी बना देती है, मान लेती है, तो पार्टी क्या मदद करेगी मेरी, और अगर दिल्ली पुलिस मुझे छोड़ देती है, कहती है अपराधी नहीं है, तो पार्टी का क्यों नुकसान करेगा मेरा? टफ टाइम है आपके लिए? नहीं, मेरे लिए कोई टफ टाइम नहीं है, मेरा, मैं तो 16 साल से टफ टाइम झेल रहा हूँ।
ये क्या आरोप क्या है? मैं छह भाई पैदा हुआ था, छह भाई था, पांच भाई नहीं है आज। मैंने पांच भाई का दाह संस्कार इन हाथों से किया है, मैंने अपने बाप का दाह संस्कार किया, मैंने अपने बेटे का किया, मैं कोई दबाव नहीं। आप भावुक हैं? नहीं, जैसे भावुक चलिए, कहने का मतलब कि मैं सब दुनिया देख चुका हूँ, जो अपने बेटे का दाह संस्कार कर चुका हो, जो अपने भाइयों का दाह संस्कार कर चुका हो, तो उससे बड़ी विपत्त तो मेरे ऊपर नहीं है ना, उससे बड़ी विपत्त तो नहीं है मेरे ऊपर। और मैं ऐसी बहुत विपत्त देखा हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ। और आपसे फिर मिलेंगे, गारंटी साथ मिलेंगे और साफ सुथरा होकर के मिलेंगे, दावा है मेरा, नोट कर लीजिए।